पंजाब के सरहदी जिला फिरोजपुर में जिला कांग्रेस कमेटी के पूर्व प्रधान अमरजीत सिंह घारू और उनके समर्थकों ने जिला मुख्यालय के बाहर केंद्र सरकार के खिलाफ रोष प्रदर्शन करते हुए पूता फूका। बढ़ती महंगाई और पेट्रोल डीजल के दामों को वेट के दायरे में लाने की मांग को लेकर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर राजदीप कौर और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। साथ ही किसान बिलों को तत्काल रद्द करने की मांग की। पूर्व प्रधान अमरजीत सिंह घारू ने बताया कि कोरोना महामारी के चलते काम धंधे ना चल पाने की वजह से आम लोगों की कमर तो पहले से ही टूटी हुई है और ऊपर से लगातार बढ़ती महंगाई से जनता त्रस्त हो गई है। मानयोग साडे देश दे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी दा सी पुतला फुकिया पर एक मंग पत्र राष्ट्रपति दे नाम ते उत्ते एडीसी मैडम नूं दे के आए होणे। साडी मंग है कि इस मई महीने दे विच 10 वारी पेट्रोल दे भाव वध चुके ने और यह जिहड़ा पेट्रोल ते डीजल है इहनूं वैट दे अंडर लिया के इहदीआं जिहड़ीआं कीमतां उहनां नूं रोक लई जावे तां जो इस महामारी दे विच मंदे दे विच पहलां लोकां दा लक टुट्टिआ है और महंगाई दे नाल जिहड़ी सरकार आ उहनां दा लक तोड़ रही है। और दूसरी साडी मंग इह हैगी है कि महीनिआं भर तों साडे जिहड़े किसान दिल्ली दीआं बरूआं ते बैठे ने 400 दे करीब साडे जिहड़े किसान भरा ने उह शहादत दा जाम पी गए ने, शहीद हो गए ने और अज तक साडी इस केंद्र दी सरकार दे जां मानयोग प्राइम मिनिस्टर दे या गृह मंत्री दे किसी दे मूँह तो अज तक उन्होंने शहादत का कोई एक शब्द भी नहीं निकलिया। ये बड़ा दुखदाई है। ये मानयोग साडे देश दे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का असी पुतला फुकिया